यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम अनुगीता पर्व 16वां अध्याय। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि एवं काश्यप का संवाद सुनाना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वो उस दिव्य सभा भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। नरेश्वर, एक दिन वहां स्वजनों से घिरे हुए वो दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के एक ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु, हे देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सौहार्द वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वो सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वो सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण इस उपदेश को याद नहीं रखा, ये मुझे बहुत अप्रिय है। इन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वो धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वो सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की भी बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो। शत्रुदमन एक दिन की बात है। एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहां आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूं। प्रभु, माधव, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वो मुक्त की भांति विचरने वाले सिद्ध शांत चित्त जितेंद्रिय ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्धान विद्या के ज्ञाता थे।
अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वो विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वो सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छंदता पूर्वक विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी ये सारी महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वो शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वो उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूं, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वो सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेक बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेक स्तनों का दूध पिया है। अनघ बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वो मेरे देखते ही देखते नष्ट हो गया। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राण दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेषादि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे ये उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले काश्यप, अब मैं पुनः इस मर्त्य लोक में नहीं आऊंगा। महाप्राज्ञ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का ये समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूं कि बड़े बुद्धिमान हो। इस प्रकार श्री महाभारत आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत
अनुगीता पर्व में 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ काश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। काश्यप ने पूछा, महात्मन ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है, संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है, जीवात्मा प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वो किस प्रकार प्रवेश करता है, मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहां रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया, वो मैं बता रहा हूं, सुनिए। सिद्ध ने कहा, काश्यप मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वो शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वो सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वो विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वो अपने सत्व बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वो सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है, कभी दूषित खाद्य अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है, किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वो भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है, कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है, अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है, सदा काम करने के लोभ से मल मूत्र के वेग को रोके रहता है, रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने से वो अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वो शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक समझो, जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है, इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। हे विप्रवर, सभी जीव अपने शरीरों का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के समय वो गर्भस्थ जल से भीग कर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है वही पंचभूतों के संघात का नाश करती है तथा वो देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्व लोक को चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है, उसमें गर्मी उच्छ्वास शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग
मृत कहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वो भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वो सनातन जीव है। कहीं कहीं संधि स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का ऐसा ही लक्षण देखा गया है। उन मर्म स्थानों के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर लेती है। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत्त हो जाती है, मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वो जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वो जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य अथवा अशुभ कार्य, पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वो ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के तीन प्रकार के स्थान देखे गए हैं। ये मर्त्य लोक की भूमि जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। अतः यहां शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। यही पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। ये जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पढ़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है, अतः अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठी की बुद्धि प्राप्त होगी। जहां ये समस्त तारे हैं, जहां वो चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहां सूर्य मंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्मा पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो, जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वो वहां से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम मध्यम और अधम का भेद रहता है। वहां भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। अब मैं ये बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय, जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण बोले, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वो कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है।
काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वो सनातन पर ब्रह्म स्वरूप है। वो जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वो जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्ष स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वो गर्भ चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव जैसे सांचे में डाला जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है। ऐसा समझो जैसे आग लोह पिंड में प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वो उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक ये कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान व्रत ब्रह्मचर्य शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन इंद्रिय निग्रह शांति समस्त प्राणियों पर दया चित्त का संयम कोमलता दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना माता पिता की सेवा देवता अतिथि और गुरुओं की पूजा दया पवित्रता इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पहले बताए हुए दान आदि कर्मों की स्थिति है। वो ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वो अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वो जहां जिस अवस्था में हो वहां उसी स्थिति में उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और वो धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है, इस प्रकार का संदेह प्रायः लोगों के मन में उठा करता है। अतः उसी का उत्तर दे रहा हूं। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। ये प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इन तीनों में से जो दो तत्व क्षर और अक्षर हैं, वो सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं।
श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत रूप से निर्दिष्ट हुए हैं, उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। ये पुरातन श्रुति है। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसी ही मैं भी कहूंगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है, तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वो सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वो घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वो पूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। साधु शिरोमणि, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूं। विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में 18वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।